भूमाफियाओं के खिलाफ अगर कोई भी जनमानस से आवाज उठाएगा तो उसके खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज कर दिए जाएंगे, जिसका अब एक ऑडियो भी वायरल हो चुका है। इस ऑडियो ने भूमाफिया की पोल खोल कर रख दी। आप भी जरा सुनिए, आखिर इस ऑडियो में ऐसा क्या है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। प्रॉपर्टी के इस खेल में आखिर कौन कौन शामिल हैं और अगर इन प्रॉपर्टी डीलर्स के खिलाफ कोई भी अपनी आवाज उठाता है तो भूमाफिया उनके ऊपर कैसे फर्जी मुकदमे दर्ज कराते हैं और कैसे निर्दोष व्यक्तियों को षड्यंत्र के तहत फंसाया जाता है, इस ऑडियो में इस बात का भी खुलासा है। अगर वो व्यक्ति नहीं माने तो भूमाफिया के गुर्गे उन्हें फंसाने की धमकी देते हैं। इस खेल में शामिल केवल नेता ही नहीं बल्कि पुलिस विभाग के भी अधिकारी हैं, जो कि अपनी वर्दी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। अब जरा सुनिए, आखिर इस ऑडियो में ऐसा क्या है। मैं कौशल ये बता दूं, स्थिति ये भी जा रही है और तू यदि कछु हो तो तुम वो बता दीजो घंटा दो घंटा में, मैं फिर वो त्यागी से बात कर लूंगा, वो त्यागी जट रोक दूंगा। मैं बताऊं सरिया, मैं शिकायत ना करूंगा त्यागी तेरी, जो जाने और तू जाने कौन कौन सी मुकदमा में धारा में है। अब भैया धारा तो जन कौन सी लगेंगी ये तो भगवान जाने, पर वो रज्जो लग रहा हो बहुत जो जवान बकील वकील कल कराई हूँ। अच्छा अच्छा हाँ, तो अब तू यहाँ देख लीजो जैसे तेरे विचार हो, मैंने तो अपना सुझाव दे दिया हो भैया, ठीक है ना। अच्छा, ऐसा सिलेंडर है कि कल यहाँ तो एफिडेविट वगैरह सब दे दिए। अब मैं जब कह रहा हूँ भैया देख तू मैं बताऊँ फिर तू हमारा ये और मैं तो जाना रहा हूँ, पर वो ऊपर से मतलब सब वो है कि बात है कि तेरे खिलाफ कार्रवाई होने की संभावना है, ये पूरी पूरी मेरी वजह से रुक रहो। मैं रात रात तो मैं गयो ना हूँ, वृंदावन चले वो लेट है वो ले जा रहे मैं बिना गो। अच्छा, त्यागी को साड़ू है वो इंस्पेक्टर तो है वहाँ छाता छाता कोतवाली में कोतवाल इंस्पेक्टर है, कोतवाल तो कहते ही और वो बात है कि वो एप्लीकेशन वन ले ली। तो यदि पर मेरे तो मतलब प्रस्ताव ये रखे हो गए हो मिनकी साहब, मेरे सामने काम संभाले तो काम संभाल यार नंबर के सड़क घूमी वहाँ पे ऐसा है ना, इनने तेरे खिलाफ बराबर होना चाहिए। मैंने तहसीलदार से यही बात कही और मैंने जो पैसा आ रहे इनके लिए न्याय अलग हो और गरीब के लिए हो तो वह चीज बताओ कि भाई कानून तो सबके लिए बराबर है, बराबर है तो या तो मेरी पैमाश रोड से करके और कब्जे दबाओ मुझे और जो ग्राम समाज वाले तो मतलब ये साहब दोनों जगह खाली करवाओ। तो मैंने तो ये प्रस्ताव तहसीलदार को रखे हुए ग्राम समाज है वहाँ तेरी मेहनत की और यहाँ की मेहनत की तो होगी ना, जहाँ तक ग्राम समाज से परे में जो जहाँ भी वो है ना तो वो तो दीवार बनेगी वहाँ तो। और रही प्रधान जी मतलब ये कि FIR करवा भी कि मेरे खिलाफ अगर मैं कागज जगह झूठे होंगे तो FIR भी होगी और सब काम होंगे, मैं कागज झगड़ो करूंगा काम होंगे। अब चलो कुछ तेरी राजी, मैंने सुझाव अपनी तरफ से दे दिया भैया जाने रही छोरा वाली बात के छोरा लगे गुजारो या वो मसान में चाह रहे झूठे मुकदमा में। हाँ हाँ, तो मैं तो सारी बात मैंने बताई है ना, तो रानी सुनो वो ये चीज पहले भी दिख रही है पर मैं तो ये है कि जो भगवान के यहाँ जैसा भी मतलब ये वो है कि रे वो काउ पे मिटे वो ना मतलब ये जवाब में आप मतलब ये दो ढाई जनता पीछे आप बता रहे वो फिर भी मेरा तो भैया थे भैया के हिसाब से मैं अपनी बात बता रहा हूँ। प्रधान जी है ना मंत्री जी चौधरी साहब नरदेव चौधरी और भाई गांव को ये बड़ों की आर एस ग्रुप है ये पैसा भाई फर में चलो बौद्ध मंत्री जी मंत्री है तो पता ना बेचारे सर घूम रहा है सब रिश्ते घूम रहा हूँ खूब घूम रहा है लेकिन अभी तक कोई ऐसी बात भाई ना है। मंत्री इनको रोल प्रधान जी आप ना पता हो रहने और उन्हें लेके मतलब कई इतना पहुँच लियो ये जब तो प्लॉट रुक रही है ग्राम समाज में कब्जे कर रखे हो जाने और नियम तनखो की खुल जाती है ना वो तो सही है सर वो लग रहे हैं रिश्तेदारों ने रोने लग रहा हो नरदेव जी लगा रहे हैं जोर ना लगा रहा हूँ तो अपने की बता तो सिलेंडर है वो कर रहा हूँ में कबू तुम वो देख ले तो तुम वो कह दे बात ये बन गई है तो या लिए वो गिड़गो है वो प्रधान जी मतलब वो पता है कल गाड़ी गई है प्रमुख साहब गए वहाँ में आप गए मैं गए मैं गए वही कह रहा हूँ तो बता मैं तो पास मतलब ये आए गई है गोविंदा गए हो दादा बाबा को गोविंदा गए हो गोविंदा गए हो तीजान गए हो ठीक है ना। ये उससे दिग्गज नेता मेरे मतलब ये खिलाफ में कोई भी कचरों का दर्ज करवा सके भैया देख मैं तो कह रहा हूँ मैं तो KRS के वहाँ
गया हूँ। मेरी और मेरी तो गाड़ी में जाते लड़ाई है गई, चैलेंजबाजी हो रही है उसे। हाँ है गई होगी। आप बताओ गाड़ी में आप पहले तो घुसे हुए आपके सामने ये अभी थोड़े दिन में घुसे दूसरी पार्टी में करके वो तुम्हारा सामना कर रहे हुए। वो तो वो मेरे सामने का कर रहा हूँ, मैंने तो फटकार दिया, मेरे तो मन ही नहीं मान रहा थे। मैं बता तो रहा हूँ, मैं तो वह त्यागी की वजह से गया हूँ कि यहाँ पे सुधर एफिडेविट एफिडेविट लिखवा ले जरिए से मतलब त्यागी बिल का बीमा ने मिलाया हूँ। अच्छा बीमा से बीमा नहीं तो मिलाया हूँ, परसों की तरह रात बीमा ने मिलाया भैया। तुम मेरा नाम मान लीजिए भैया, मैं बता भाईचारे के हिसाब से मैं तो अपने समझ के बता रहा हूँ। कोई नाम लिया जा कर बता रहे हैं, मैं तो बता रहा हूँ अपने समझ के भैया, ठीक है ना। दो तीन मुकदमों में पहले झूठे लगवा दिए आपके झूठे में तू फंस जाएगा। वो तो नहीं लग रही है छोड़ा की नौकरी फोकरी और देख ले यार त्यागी के मारे मारती है। त्यागी से कसी मत करे तू, मैं त्यागी की झटना ही कर दूंगा भैया। कौशल कसी ना कर रहा तू त्यागी आप तो नरदेव ना माने गो चौधरी साहब ना माने मंत्री जी ना माने फिर मुकदमा ना लिख रहे हो। फिर मुकदमा ना लिख रहे तो मैं बताऊँ त्यागी से सुनो जब इन मुकदमा लिखवाना हो तो आप सामने आवे ना। वो आपका ही आएंगे वो तो धर दिए हो आप, वो तैयार है लिख भी कर रहा है वो मतलब बनी बनाई धरी है। वो थाने में मुकदमा दर्ज करवानो ये कोई हल्की पतली उतोड़ी है तो पूरी राजनीति है ये तो यार। मैं यार मंत्री की तो मैं ना कह रहा भाई, देखो बताऊँ ना आप तो ना कह रहे ना आप तो मंत्री की कोई बात नहीं की चीज है सर। ना 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 उनकी मैं ना कह रहा हूँ, मैं तो केवल यहाँ की कह रहे हैं तो रज्जो की बात कर रहा हूँ भैया। तो देख ला भाई जैसी होती जैसे फिर मन बोलते वो बता दीजिए। बताऊंगा मतलब दो तीन घंटा को टाइम लगेगा ना, मैं बताऊंगा आप। ठीक है कोई बात नहीं। राम राम। आपने सुना कि कैसे एक व्यक्ति को दबाने की कोशिश की जाती है, ये भूमाफिया की रणनीति है। अगर कोई प्यार से न माने तो उसे और उसके लड़के को फर्जी मुकदमे में फंसा दिया जाए। हम आपको बता दें कि इस ऑडियो में आजनौक का रहने वाला कौशल है, वहीं दूसरा व्यक्ति नारायण सिंह पूर्व प्रधान है, वो भी गांव आजनौक का रहने वाला है, जो कि अपने ही गांव के व्यक्ति से बातें कर रहा है। जब इस मामले में एसडीएम छाता हनुमान प्रसाद मौर्य से बातचीत की गई, तो उन्होंने बताया कि केआरएस ग्रुप के नाम से ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है। और लेखपाल दिनेश ने भी बताया कि केआरएस ग्रुप द्वारा ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है और उस पर दुकान बना ली है। वहीं अब देखना होगा इस ऑडियो के बाहर आने के बाद इस मामले में प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। सर बताएं, गांव आजनौक में एक ग्राम समाज की अवैध कब्जे का मामला है, क्या कोई मामला है? हाँ, मेरे संज्ञान में आया था कोई केआरएस ग्रुप करके नाम से कोई कंपनी है संस्था है, जिसके द्वारा कुछ निर्माण कार्य किया जा रहा था। संज्ञान में आया था कि वहाँ पर सरकारी जमीन है। मामले को मैंने गंभीरता से लिया है और तहसीलदार को उसमें मैंने जांच दिया है। जब तहसीलदार ने भी मुझे अवगत कराया है कि प्रथम दृष्टया जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उस पर कब्जा पाया गया है, क्योंकि ये निर्माण भी कुछ उसमें से पुराना रहा है, जो 1.5 साल 2 साल पुराना बताया तहसीलदार ने। एक धारा 67 के तहत उन्होंने मुकदमा अपने यहाँ लिया है, उसकी सुनवाई करके नियमानुसार को जल्दी से जल्दी बेदखल भी करेंगे और जुर्माना भी लगाएंगे।